नमस्कार, मैं हूं निशु दुबे। आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। मोदी मंत्रालय में मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा हो चुका है। पीएम मोदी ने विभागों का बंटवारा किया है। तो राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्रालय दिया गया है, अमित शाह गृह मंत्रालय को संभालेंगे। नितिन गडकरी की अगर बात करें तो उनको सड़क परिवहन मंत्रालय दिया गया है। वही एस जयशंकर को विदेश मंत्रालय दिया गया है। मनोहर लाल खट्टर को ऊर्जा और शहरी विकास मंत्रालय दिया गया है। तो जीताराम मांझी एमएसएमई मंत्रालय को संभालेंगे। शिवराज सिंह चौहान कृषि और ग्रामीण विकास विभाग की मंत्री है। वही अश्विनी वैष्णव सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को संभालेंगे। चिराग पासवान के खाते में गया है खेलकूद और युवा मंत्रालय। तो निर्मला सीतारमन वित्त मंत्रालय को संभालेगी। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्रालय को संभालेंगे। तो अन्नपूर्णा देवी के खाते में गया है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। वही सी आर पाटिल के खाते में गया है जल शक्ति मंत्रालय। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, राजधानी दिल्ली से चिराग पासवान खेलकूद मंत्रालय को संभालेंगे, निर्मला सीतारमन वित्त मंत्रालय को संभालेंगे। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्रालय दिया गया है। अन्नपूर्णा देवी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय दिया गया है। तो कैबिनेट में मंत्रालयों का बंटवारा हुआ है। दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ भावना जुड़ चुकी है। भावना, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? मंत्रियों को उनके मंत्रालय का बंटवारा हो चुका है, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो है मंत्रालय का बंटवारा हो चुका है और किसको क्या पोर्टफोलियो मिला है जी, थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि नितिन गडकरी को एक बार फिर से सड़क परिवहन मंत्रालय मिल चुका है जी। और उनके अंदर दो एमओएस रहने वाले हैं, जिसमें एक अजय टमटा है तो दूसरे जो है हर्ष मल्होत्रा है। और दोनों जो है सड़क परिवहन राज्य मंत्री बने हैं। और वहीं अगर एस जयशंकर की आप बात करेंगे तो एक बार फिर से उन्होंने विदेश मंत्रालय संभाल लिया है, यानी कि उनको विदेश मंत्रालय दोबारा से दिया गया है। अश्विनी वैष्णव की बात करेंगे तो अश्विनी वैष्णव पर जो है इस बार जिम्मेदारियां और बढ़ गई है, लेकिन उनका पोर्टफोलियो ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है। अश्विनी वैष्णव को जहां एक तरफ रेल मंत्रालय दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ अश्विनी वैष्णव को आईबी मंत्रालय भी दिया गया है, यानी कि सूचना प्रसारण मंत्रालय भी इस वक्त अश्विनी वैष्णव के पास है। वही राजनाथ सिंह को एक बार फिर से रक्षा मंत्रालय मिला है। अमित शाह जी ने एक बार फिर से गृह मंत्रालय जो है अमित शाह जी संभालने वाले हैं और उन्हें गृह मंत्रालय मिला है। निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्रालय मिला है। मनोहर लाल खट्टर जो कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री है, करनाल से सांसद है, उन्हें शहरी विकास मंत्रालय मिला है। वही मंत्रालय जो कि हरदीप सिंह पुरी के पास था 2019 से, लेकिन अब क्योंकि मनोहर लाल खट्टर को ये मंत्रालय मिल चुका है, इसी के साथ पोखरण साहू जो कि शहरी विकास मंत्रालय में उन्हें राज्य मंत्री बनाया गया है। तो वहीं श्रीपद नाइक जो कि पहले भी मंत्री रहे, उन्हें एक बार फिर से मंत्री बनाया गया है। ऊर्जा मंत्रालय में उनको जो है राज्य मंत्री का दर्जा मिला है, यानी कि वो एमओएस बने हैं। वहीं अगर आप बात करें तो हरदीप सिंह पुरी को जो है पेट्रोलियम मंत्री बनाया गया है। हरदीप सिंह पुरी शहरी विकास मंत्रालय संभाल रहे थे। और इसी के साथ एक जानकारी अपने दर्शकों के लिए और कि पीयूष गोयल को वाणिज्य मंत्रालय दिया गया है। अश्विनी वैष्णव को रेल मंत्रालय के साथ साथ सूचना प्रसारण मंत्रालय भी दिया गया है, जैसे कि हमने दर्शकों को बताया। शिवराज सिंह चौहान एक बड़ा पद संभालने जा रहे हैं, एक बड़ा मंत्रालय संभालने जा रहे हैं। कृषि मंत्रालय जो है शिवराज सिंह चौहान को मिला है, जो कि पहले नरेंद्र सिंह तोमर के पास था, लेकिन फिर उन्होंने बीच में चुनाव लड़ा, उन्हें मध्य प्रदेश भेज दिया गया। लेकिन अभी जो है शिवराज सिंह चौहान जो कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं और बीजेपी में एक बड़े पद पर आते हैं, उन्हें कृषि मंत्रालय दिया जा चुका है। और एक बड़ा जिम्मा फिर से धर्मेंद्र प्रधान पर भरोसा जताते हुए उन्हें एचआरडी मंत्रालय दे दिया गया है। शोभा अगर करण लाजे की आप बात करेंगे तो उन्हें लघु उद्योग राज्य मंत्री बनाया गया है। वहीं जीतनराम मांझी को लघु उद्योग कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। जी हाँ, बड़ी खबर है ये। किरण रिजिजू की अगर आप बात करेंगे तो उन्हें संसदीय कार्य मंत्री बनाया गया है। तो वहीं सी आर पाटिल को जो है जल शक्ति मंत्रालय, एक बड़ा मंत्रालय है ये, जो कि सी आर पाटिल को दिया गया है। और राम मोहन नायडू को नागरिक उड्डयन मंत्रालय जो है, यानी कि सिविल एविएशन जो है, वो मिल चुका है राम मोहन नायडू को। जी, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। राजधानी दिल्ली से राजनाथ सिंह रक्षा मंत्रालय को संभाल रहे हैं। तो कैबिनेट में मिनिस्टर्स को मिनिस्ट्रीज दे दी गई है। गृह मंत्री अमित शाह पहले भी थे और अब भी गृह मंत्री रहेंगे अमित शाह, उनको गृह मंत्रालय दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद भावना आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। एस जयशंकर अब विदेश मंत्रालय को संभालेंगे। बात करें राजनाथ सिंह का तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को संभालेंगे। पहले भी इनके पास डिफेंस का मिनिस्ट्री था और अब भी इनके पास
डिफेंस का ही मिनिस्ट्री है, होम मिनिस्ट्री संभालेंगे और होम मिनिस्ट्री मिनिस्टर फॉर रोड रहेंगे अमित शाह। नितिन गडकरी ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर रहेंगे, पहले भी इनके पास यही मंत्रालय थी और अब भी इनके पास यही मंत्रालय। जेपी नड्डा की अगर बात करें तो हेल्थ मिनिस्ट्री संभालेंगे। शिवराज सिंह चौहान की अगर बात करें, पूर्व मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं शिवराज सिंह चौहान। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री इनको दी गई है, अब एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहेंगे शिवराज सिंह चौहान। फाइनेंस मिनिस्ट्री दी गई है निर्मला सीतारमन को, पहले भी इनके पास यही विभाग था, अब भी इनके पास यही विभाग है। एस जयशंकर की बात करें तो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की मिनिस्ट्री इनको दी गई है। मनोहर लाल खट्टर जो कि हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मनोहर लाल खट्टर, उनको अर्बन अफेयर्स पावर दिया गया है। वही एचडी कुमार स्वामी की अगर हम बात करें, पीयूष गोयल की बात करें, एजुकेशन मिनिस्टर मिनिस्ट्री दी गई है धर्मेंद्र प्रधान को। मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो दी गई है पीयूष गोयल की, एजुकेशन मिनिस्ट्री दी गई है धर्मेंद्र प्रधान को, दी गई है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस दी गई है जितना मांझी को, माफ कीजिएगा, लालन सिंह की अगर बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स। वही सर्बानंदा सोनोवाल की अगर बात करें तो शिपिंग एंड वाटरवेज की मिनिस्ट्री दी गई है। एस जयशंकर विदेश मंत्रालय को संभालेंगे। राम मोहन नायडू की अगर बात करें तो एविएशन मिनिस्ट्री इनको दिया गया है। वही प्रहलाद जोशी को अगर बात करें, ज्वल ओराम, गिरिराज सिंह रेलवे मिनिस्ट्रीज को संभालेंगे, अश्विनी वैष्णव एंड आईबी मिनिस्ट्रीज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ। ज्योतिरादित्य सिंधिया की अगर बात करें तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन टेलीकॉम को संभालेंगे। तो चिराग पासवान खेलकूद और युवा मंत्रालय को संभालेंगे। निर्मला सीतारमण पहले भी वित्त मंत्रालय को संभालती थी और अब भी वित्त मंत्रालय को संभालेंगी। धर्मेंद्र प्रधान की बात करें शिक्षा मंत्रालय को संभालेंगे। ये बड़ी खबर सामने आ रही है देश की राजधानी दिल्ली से, कैबिनेट की मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में मंत्रालयों का बंटवारा हो रहा है। जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्रालय को संभालेंगे, जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम मंत्रालय को संभालेंगे। तो मिनिस्ट्रीज का एलोकेशन हो रहा है लोगों के बीच, मिनिस्ट्रीज के बीच में। गिरिराज सिंह कपड़ा मंत्रालय संभालेंगे। जेडीयू से नेता है गिरिराज सिंह। गजेंद्र सिंह शेखावत संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय को संभालेंगे। देश की राजधानी दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, मोदी मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा हो रहा है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।